ये रहा हमारा गांव का गेट, यहीं से हमारा गांव स्टार्ट होता है। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है विशाल और आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के एक नए ब्लॉग में। तो गाइज, आज मैं जा रहा था अपने गांव, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए मेरा गांव कैसा है। बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में एंड तक। चलिए फटाफट से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। गाइज, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कोई भी इस चैनल पर नया हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने गांव के पास। ये रहा हमारा गांव का गेट, यहीं से हमारा गांव स्टार्ट होता है। आगे आप लोगों को गांव का व्यू दिखाते हैं। गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर के पास। आप लोग इधर पीछे देख सकते हो, ये है मेरा घर, जिस टाइप का है। चलते हैं अंदर। ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा है गाइस, आप लोग देख सकते हो। इधर भी हमारा रूम है, इधर ऐसा है सब। यहाँ से चलते हैं गाइस, उधर खलियानी पे, उधर खलियानी पे चलते हैं, उधर का भी आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट से उधर भी चल के दिखाते हैं। ओके गाइज, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने खलिहान के पास। आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है हमारा खलिहान। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो खेत पटाने के लिए मोटर वगैरह चल रहा है। इधर हम लोगों का खेत है, वहाँ पर भी आप लोगों को ले चलेंगे दिखाने के लिए। और ये घर आप लोगों को दिखाते हैं हमारा इधर का घर कैसा है। तो गाइज, ये हमारा खलिहान का घर आप लोग देख सकते हो, कुछ ऐसा है यहाँ से लेकर वहाँ तक है। और आगे आप लोगों को दिखाते हैं, वहाँ पर हमारा खेत भी है। उधर पर कुछ रोपाया है, यहाँ पे क्या है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये है गाइज बंदा और टमाटर, यहाँ से लेकर कुछ वहाँ तक है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ किसी चीज़ का वो क्या बोलते हैं बिया, हाँ बिया गिराया गया है यहाँ पे। यहाँ पर भी कुछ चीज़ का बिया गिराया गया है। यहाँ पे धनिया था, उसको काट लिया गया है। अब यहाँ पर भी कुछ किसी चीज़ का बिया है। और गाइज, आगे भी खेत में कुछ रोपा गया है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे। तो गाइज, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मूली का खेती है, खेत है। ये सब इतने दूर में मूली मूली है, यहाँ पे रोपाया गया है, यहाँ पे रोपा गया है। और इधर भी साइड में अपना ही खेत है, यहाँ पे भी वही है बंदा और टमाटर। उधर दूर चाचा जी वहाँ पर वो खेत में कुछ कर रहे हैं।
साइड उधर साइड में भी हमारा खेत है गाइस, उधर भी चल के दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों ने खेत देख लिया, यहाँ पे कुछ हमारा ये क्या बोलते हैं कल, हाँ क्या बोलते हैं कल ही बोलते हैं ना, हाँ कल है यहाँ पे हमारा। इधर आम का पेड़ वगैरह है, आप लोग देख सकते हो इधर, एक यहाँ पर पेड़ है और एक इधर, ये रहा हमारा आम का पेड़, दो पेड़ है। और आगे उधर भी हमारा खेत है, उधर भी चल के दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर भी कुछ साग वगैरह रोपा गया है, देख सकते हो आप लोग। आगे चलते हैं, पानी किस खेत में पाता है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। इधर बगल में किसी ने वो क्या बोलते हैं भंटे का खेती किया है। गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा खेत है, अभी दिखाते हैं आप लोग को। उसमें भी टमाटर रोपा हुआ है, इसमें भी टमाटर है, इधर आप लोग देख सकते हो। ये गाइज यहाँ पर अभी खेतों में पानी दिया जा रहा है, आप लोग देख सकते हो कुछ वहाँ तक है। ये है, यहाँ से पानी आ रहा है, देखिए आप लोग उधर दूर वहाँ से। ये हमारा क्या बोलते हैं गाछी है, इधर गाछी है वहाँ पे हमारा, देख सकते हो आप लोग। ओके गाइस, तो अभी यहाँ से चलते हैं, आगे भी हमारा वो उधर खलिहान है, बड़ा सा खलिहान है जहाँ पे हम लोगों का, हम लोग पहले खेलने जाते थे वहाँ पे, कभी आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या है वहाँ पर भी। तो चलिए चलते हैं आगे, यहाँ जाने के लिए गाइस कुछ इस तरह के रास्ता है, आप लोग देख सकते हो। इधर भी वो क्या बोलते हैं बांस वगैरह है, इधर भी है, इधर भी खेत वगैरह है। हमारा नहीं है गाइस, ये लोगों का है, वो भी आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पे। सर हमारा गांव में क्या है, गांव में आप लोग देख सकते हो गाइस जैसा ही सब कुछ रहता है यहाँ पे। ये हमारा कुछ गांव से हटकर है, सरेही में पड़ता है, पर वो बोलते हैं ना खेत, इसे इधर क्या बोलते हैं खेत वगैरह इसे बोलते हैं। यहाँ पे देखोगे चारों तरफ दूर दूर तक कहीं भी घर नहीं मिलेगा, सिर्फ खेत ही खेत मिलेगा गाइस यहाँ पे। खेत खलियान सब ये है, खेत पेड़ वगैरह ये सब देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे कितना ज़्यादा पेड़ वगैरह लगा हुआ है। ये भी यहाँ पर भी है, और इधर है गाइस हम लोगों का वो क्या बोलते हैं पेड़ वगैरह, यहाँ पर भी खेले हुए हैं। यहाँ पर यहीं पर हम लोग पहले खेलने आते थे गाइस, आप लोग देख सकते हो इधर भी वो पेड़ वगैरह है, सिर्फ हम लोगों का इधर इसे बोलते हैं गाछी। और आगे नदी भी है, एक बहुत बड़ा नदी है, लंबा नदी है, लंबा तक जाता है आगे भी, उधर एक नदी बोलते हैं हम लोग, काफ़ी दूर तक जाता है, बहुत बड़ा है। बहुत मंदिर भी है, हम लोग बोलते हैं यहाँ संसारी माई के मंदिर, ये इधर यहाँ पर भी एक मंदिर है, रुके आपको दिखाते हैं सामने से, इधर से इधर चप्पल पहन के जाना मनाए हुए है मंदिर, यहाँ पर भी हम लोग पूजा करने आते हैं। और ये रहा हम लोगों का ये गाछी पेड़, देख सकते हो आप लोग गाइस, आगे उधर नदी है, आप लोगों को दिखाते हैं। इधर ही आगे गाइस नदी है, चलिए दिखाते हैं उधर। अभी खेत पटाने के लिए वो क्या बोलते हैं उधर से पानी लिया जा रहा है, दमकल बोलते हैं इधर। नदी के उस पार भी खेत हुआ, खेत नदी का उस पार है, नदी का उस पार भी हमारा खेत है, गाँव का खेत है सब, मतलब वहाँ पर नदी में से पानी लेते हैं वहाँ पर। देखिए आप लोग, यह कुछ इस टाइप का नदी है, अभी तो पानी पूरा ख़त्म हो चुका है नदी का, बताते हैं पास में, चलो चलिए आप लोगों को पास से दिखाते हैं। देख सकते हो गाइस यहाँ पे है, ये है इधर का कुछ व्यू वगैरह, हम लोग उधर से आए अभी, उधर भी उधर भी आप लोग देख सकते हो। ये नदी का उस पार भी जाओगे ना तो उधर हमारा खेत है गाइस, तो उधर अभी नहीं जाएंगे, बाद में उधर का भी चलेंगे, क्योंकि अभी उधर सब धान वगैरह रोपा गया है। तो गाइस इधर का व्यू इतना अच्छा है ना कि पूछो ही मत गाइस, पूछो ही मत गाइस। जब भी हम लोग आते हैं गाँव में हम अपने, तब इधर आते ही है घूमने का, इतना मज़ा मतलब अच्छा लगता है हम लोगों को, गांव से बाहर लगता है हम लोग जंगल में आए हैं जैसे लगता है। हाँ गाइस, अब देख सकते हैं कहाँ इतने चारों तरफ पेड़ ही पेड़, इतना अच्छा लगता है ना गाइस, पूछो ही मत गाइस, हरियाली है। हम लोग जब भी आते हैं इधर अपने गांव में तब इधर आते हैं घूमने का, हम दोनों जैसे भी, क्योंकि इधर अच्छा लगता है, बचपन में हम लोगों ने यहीं पर खेला है, क्योंकि इस तरह का था गाइस। उधर भी हमारा वो है, चलिए आप लोगों को उधर भी दिखाते हैं, क्या बोलते हैं पोखरा, हाँ पोखरा है हमारा उधर, तालाब या पोखरा जो भी बोलिए आप, उधर आगे भी गाछी उठी है बहुत, उधर भी पेड़ वगैरह लगा हुआ है,
आप लोग देख सकते हो। चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं। ओके गाइज, तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। एक तालाब पोखरा है, हमारे गांव का ही है गाइज, ये आप लोगों को दिखाते हैं। ऐसा एक नहीं, बहुत सारा है, तो सब तो नहीं दिखा सकते गाइज आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉग कोशिश करेंगे उतना दिखाएंगे, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ इतना बड़ा है गाइज ये पोखरा, आप लोग देख सकते हो। चिमनी भी है सामने, एक चिमनी भी है, उधर भी चलेंगे गाइज। ये आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा पोखरा है गाइज। ऐसा एक नहीं, बहुत है, सब तो नहीं दिखा सकते, लेकिन जितना हम लोग दिखा सकते उतना दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे भी पेड़ वगैरह लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो किस चीज़ का पेड़ है, मुझे पता बोल नहीं। रहा था ना, जंगल टाइप का है हमारा गांव। यहाँ पे बहुत सारा पेड़ है गाइस, पूछो ही मत, सब हरियाली ही हरियाली है इधर पे। चलते हैं गाइस आगे, दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे भी एक पोखरा था गाइस, अभी वो सूख चुका है, पूरा पूरा पानी सूख चुका है, आप लोग देख सकते हो। ये बंद हो चुका है अभी पोखरा, खेत बनाएंगे अभी से लोग, लोग खेत बनाएंगे भर, क्या बोलते हैं, माटी वगैरह और इस पे फेंके और इसे खेत बनाएंगे गाइस। आगे आप लोगों को उधर दिखाते हैं, उधर पे एक चिमनी है गाइस, रुकिए दिखाते हैं, ऐसे देख सकते हो वहाँ पर एक चिमनी है, उधर पर चल के दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग वहाँ पर लोग ईंटा बना रहे हैं गाइस, ईंटा अभी वो कच्चा है, उसे ही वो चिमनी में डालकर और पकाया जाता है, उसके बाद वो जाकर ईंटा तैयार होता है। अभी आप लोग देख सकते हो, चल भी पास में भी चल के दिखा देते हैं उसे, चल आ जा। अरे इधर भी आ गया, अच्छा चलो आ जा, इधर भी आप लोगों को दिखाते हैं। जब आप लोग देख सकते हो, जब तक ईंटा पका नहीं रहता, कुछ इस टाइप का दिखता है ईंटा। अभी इसे ज़्यादा सूख जाएगा तो उसे उधर वो चिमनी में दूर ले जाएंगे और उसमें जाकर फिर पकाएंगे, तो ऐसा ईंटा बन के तैयार होगा गाइज। इसमें अभी टाइम है गाइज, आ चुके हैं गाइज हमारे चिमनी के पास, इधर आप लोग देख सकते हो दूर मछली वाला धरा होगा, देख सकते हो वहाँ पर, उधर चिमनी है गाइज, यहाँ आ गया इसमें, उधर वो क्या, हाँ ये रहा गाइज। यहाँ पे ईंटा वगैरह देख सकते हो आप लोग, कितना ज़्यादा ईंटा इसमें निकाला गया है। अभी तो चिमनी वो क्या बोलते हैं चालू नहीं हुआ है, ये सब बनकर ईंटा बना निकाले गए हैं, पहले का ईंटा है, अच्छे से बन चुका है यहाँ पर ये ईंटा। आप काम इसे काम कर सकते हैं गाइज, आप लोग देख सकते हो गाइज यहाँ पे चारों तरफ ईंटा ईंटा है, अभी कच्चा है ये, इसे फिर वो चिमनी में डालकर पकाते हैं, उसके बाद वो ईंटा तैयार होता है। आगे उधर एक और क्या बोलते हैं तालाब है, हम लोग इतने देर से गाइज पोखरा पोखरा बोल रहे थे, उसे तालाब बोला जाता है, बोले थे ना, और दिखाएंगे। और यहाँ पे भी है एक तालाब, और ये मेरा दोस्त का ही है, बिक्की का। इधर गाइज आप लोग देख सकते हो, ये जो तालाब है मेरे दोस्त का ही है, ये कुछ यहाँ तक है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं गाइज, उधर दूर दूर तक है, देखो कितना लंबा है गाइज, और ये रोड के पास ही में, ये पूरा रोड के पास में ही है गाइज। ओके गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही था, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ एंड नमस्ते। लाइक करना भूलिएगा।